और बहुत बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। जयपुर से बालक का अपहरण हुआ है। बजाज नगर थाना इलाके की एक घटना बताई जा रही है जहां से बालक का अपहरण किया गया। बड़ी और अहम खबर है, बालक का अपहरण किया गया है जयपुर से। बजाज नगर थाना इलाके की घटना बताई जा रही है जहां से बालक का अपहरण किया गया। पूरी जानकारी हम आपको देंगे कुछ ही देर में, क्योंकि अभी जिस तरह से जानकारी मिली है अपहरण की। और चलिए सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, जानना चाहेंगे आपसे, बालक का अपहरण हुआ है, अपहरणकर्ताओं को लेकर कोई जानकारी मिल पाई, बालक का कोई सुराग लगा? देखिए, दुर्गा टोंखोड़ स्थित दुर्गापुरा पुलिया जो है उसके ऊपर माता पिता काम कर रहे थे और बालक अपने भाई के साथ नीचे खेल रहा था। इसी दौरान एक महिला पुरुष आते हैं और बालक का अपहरण करके अपने साथ ले जाते हैं। और जब माता पिता ने देखा कि उसके बच्चों को ले जा रहा, तो माता पिता ने उनका पीछा भी किया, लेकिन दोनों महिला पुरुष पकड़ में नहीं आए हैं। ऐसे में अब डीसीपी और अधिकारी मुखर पहुंच चुके हैं और साथ साथ पूरे शहर में नाकाबंदी करवाई गई है। जो महिला पुरुष सीसीटीवी कैमरे में आए हैं उस महिला पुरुष की तस्दीक करवाई जा रही है। हालांकि वहां पर मौजूद लोगों से भी तस्दीक की जा रही है कि यहाँ वास्तव में ऐसी घटना हुई है या नहीं हुई, लेकिन माता पिता ने जो बालक जो माता पिता हैं उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस को सूचना दी है कि बालक का अपहरण किया है। एक लड़के को लेडी है और एक जेंट्स है। इन दोनों ने बालक का अपहरण करने के बाद में अपने साथ पैदल ही जा रहे थे, हमने पीछा भी किया, लेकिन वो काफी दूर तक जा चुके थे। ऐसे में पूरे जयपुर शहर के अंदर कड़ी नाकाबंदी करवाई गई है और बालक की तलाश की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन क्या किसी पे शक, क्योंकि जिस वक्त बालक का अपहरण हुआ उसके माता पिता दोनों काम कर रहे थे, और कुछ सूचना मिली या कोई प्रत्यक्षदर्शी था जिसे ले जाते बच्चे को देखा? बिल्कुल, देखिए जिस समय घटना हुई है उस समय बालक अपने बड़े भाई के साथ खेल रहा था और बालक के माता पिता पुलिया के ऊपर काम कर रहे थे। और जब बालक को ले जाने लगे तो माता पिता ने उनको ले जाते हुए देखा भी, उनको रोकने का प्रयास भी किया था, लेकिन जो आरोपी हैं बताए जा रहे हैं वो काफी दूर निकल चुके थे। ऐसे में अब दोनों जो आरोपी है उनकी तस्दीक के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज दी जा रही है, जिससे कि उनको तस्दीक की जा सके, उनको गिरफ्तार किया जा सके, और अगर वास्तव में अपहरण हुआ बालक का तो बालक को सब कुशल उनके चंगुल से मुक्त करवाया जा सके। चलिए, शुक्रिया सत्यनारायण आपका पूरी जानकारी के लिए।